का थर्ड नंबर देखते हैं। दिया हुआ इक्वेशन 3x माइनस का y प्लस का 2z इक्वल टू जीरो, फिर है 4x प्लस का 3y प्लस का 3z इक्वल टू में जीरो, फिर है 5x प्लस का 7y प्लस का 4z इक्वल टू में जीरो। ले लेते हैं लेट ax इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स, है ना जी। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x y z के जो ये कोफिशियंट है उनका यहाँ पे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में 3 - 1 2 4 3 3 4 3 3 5 7 4, और यहाँ पर x जो है एक कॉलम मैट्रिक्स का वेरिएबल x y z वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। r1 के अकॉर्डिंग से 3 लेते हैं, ये रहा ये कॉलम हटाएंगे, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 3 7 4, फिर माइनस माइनस का 1, फिर हम लोग ये रहा ये कॉलम हटाएंगे आएगा यहाँ 4 3 5 4, फिर प्लस का 2 लेते हैं, ये रहा ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 3 4 3 5 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 × 12 माइनस का 21 प्लस का 1 × 16 माइनस का 15 प्लस का 2 × 28 माइनस का 15, ठीक है। चलिए तो यहाँ 3 × में कितना आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस 1 × में 1 और प्लस का 2 × में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस का 27 प्लस 1 प्लस का 26, ये जीरो आ जाएगा। तो जब ये जीरो आ गया, देख लिया है कि हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, एंड अगर हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में यहाँ ये देखो जीरो मैट्रिक्स ही ना है जी, यहाँ जीरो मैट्रिक्स ही ना है जी, है कि नहीं। तो जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड विथ इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन ऐसे भी लिख सकते थे। जब इसके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए तो पुट जेड इक्वल टू के इन फर्स्ट टू इक्वेशन में जेड इक्वल टू में के पुट कर देते हैं। तो जेड इक्वल टू के पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू के पुट करेंगे, देखो क्या है, 3x - y + 2z = 0, 3x - y + 2z = 0, 3x - y + 2z = 0। अगर है 4x + 3y + 3z = 0, 4x + 3y + 3z = 0, तो जेड की जगह यहाँ के पुट कर देते हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा 3x - y = -2k और यहाँ हो जाएगा 4x + 3y = -3k। अब यहाँ लेट इसे ले लेते हैं ax = b के फॉर्म में। तो यहाँ से जो ए मैट्रिक्स वह एक कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2x2 का 3 - 1 4 3। अच्छा x का वैल्यू ये वेरिएबल एक्स वाई हो जाएंगे और यहाँ पर b का वैल्यू ये कॉन्स्टेंट जो दिए हैं इनको एक कॉलम मैट्रिक्स में -2k - 3k। चलिए अब इसके बाद पहले हम लोग a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 9 और प्लस का 4 आ जाएगा 13, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, ये रो एक हटेगा 3, c12 निगेटिव होता है, 4 आ जाएगा c121 -1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा, c22 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में इन सभी को फैक्टर से जाकर ट्रांसपोज, 3 - 4 1 3 का ट्रांसपोज, तो आ जाएगा 3 - 4 1 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर ए का इनवर्स की बात करें तो 1 / determinant of A (a) × (a) यानी 1/13 इंटू में जो मैट्रिक्स है 3 - 4 3, यही ना हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो ये आपका ए का इन्वर्स हुआ। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू में होता है a इन्वर्स b, तो x का वैल्यू हमारे पास x y वेरिएबल वाले कॉलम मैट्रिक्स है, a इन्वर्स है 1/13 इंटू में यहाँ आया 3 1 - 4 3, और b जो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू ऊपर दिया हुआ, देख लीजिए क्या दिया है जी, -2k - 3k, -2k - 3k।
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/13 इंटू में, यहाँ देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस का 6k, ठीक है, और माइनस का 3k। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8k माइनस का 9k। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, 1/13 इंटू में माइनस का 9k माइनस का k, यानी कि यहाँ से एक्स वाई ये कॉलम मैट्रिक्स एक जो देख रहे हैं वेरिएबल वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9/13k और यहाँ माइनस का k/13। देयरफॉर एक्स का वैल्यू माइनस 9/13k, वाई का वैल्यू माइनस का k/13 और जेड का वैल्यू जो k था वो वही हो जाएगा। समझ गए। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन देख